पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू सरकार एक तरफ आर्थिक संकट का राग अलाप कर प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और एरियर से वंचित रख रही है, जबकि दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक प्राप्त मित्रों के साथ साथ अपने चहेतों की कोठियों और दफ्तरों के सौंदर्यकरण पर करोड़ों रूपए खर्च कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी वे ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य और ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। वर्तमान सरकार जो है उससे प्रदेश का जो कर्मचारी तबका है वो पूरी तरह परेशान है, निराश है, हताश है। और कर्मचारी बड़े वर्षों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में कर्मचारी जो है वो सेक्रेटरीट का उन्होंने गेट मीटिंग करी कल भी, और पूरे देश में सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, बाकी अन्य राज्य सरकारों ने 50% डीए कर्मचारियों को जो है वो दे दिया, और हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी 34% पर अड़ी हुई। घोषणा बेशक इन्होंने चाहे 50% की कर दी है, पर कर्मचारियों को डीए तक नहीं मिल रहा है, और दूसरा कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल रहे हैं। मुझे कहना ये है कि प्रदेश के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए सरकार के पास खजाना खाली है, सरकारें कर्मचारियों के दम पर चलती हैं। कर्मचारी मेहनत करते हैं, सरकार की पॉलिसीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जनता के तक पहुंचाते हैं, परंतु सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, उनके जो मित्र हैं उनके लिए खजाना लुटाने के लिए बहुत पैसा है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हम लोग देख रहे हैं कि 20 से ज्यादा पॉलिटिकल एडवाइजर, ओएसडी, मीडिया एडवाइजर्स और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए। इससे पहले राजा वीरभद्र भी चीफ मिनिस्टर रहे, जयराम ठाकुर जी रहे, धूमल जी रहे और भी मुख्यमंत्री रहे। अब पिछली सरकार में भी 2 से 3 से ज्यादा ऐसी पॉलिटिकल पोस्टें जो है वो नहीं भरे गए। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 2 OSD हो जाते हैं, 1 पॉलिटिकल एडवाइजर हो गया, 1 मीडिया एडवाइजर हो गया। यहां तो 20 से ज्यादा एडवाइजरों की फौज लगा दी, एक एक व्यक्ति को जो है वो 2.5-2.5 लाख रुपया सैलरी दी जा रही है, उसकी गाड़ी उसको दी जा रही है, उसको स्टाफ भी दिया जा रहा है, उसको रहने के लिए कोठी भी दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्मचारी सही है कि कर्मचारियों को जो लाभ मिलने चाहिए वो तो अपने मित्रों में बांटे जा रहे हैं? अब इतने ओएसडी लगाए हैं, दिल्ली में ओएसडी, दिल्ली में मीडिया एडवाइजर, मीडिया कोऑर्डिनेटर, चंडीगढ़ में कोऑर्डिनेटर, 4 मेंबर पार्लियामेंट का एक छोटा सा राज्य 70 लाख की पॉपुलेशन जिसमें हो, और करोड़ों रुपया जो है वो अपने मित्रों की नियुक्ति पर खर्च किया दिया जाए, और ठीक कर रहे हैं कर्मचारी भी कि ये जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हुई हैं, फजूल के खर्चे, करोड़ों रुपया जो है वो दफ्तरों को रेनोवेशन करने में इन लोगों ने खर्च कर दिया, और देने के लिए पैसे नहीं, घी पी के तो कर्जा लिया जा रहा है। ये पहले मुख्यमंत्री हुए, देखिए 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब लगभग 48,000 करोड़ रुपया कर्जा था, और जब जयराम जी 5 साल के बाद गए तो 5 साल में लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपया कर्जा लिया गया 5 साल में। इन्होंने 1.5 साल में के अंदर अंदर ही 35,000 करोड़ कर्जा, 35,000 करोड़ कर्जा ले लिया, 1 लाख करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश पर कर्जा हो गया। प्रदेश में कहीं भी कोई डेवलपमेंट के काम नजर नहीं आ रहे, सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है, प्रदेश का जो कर्मचारी है उसको मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे, जो नौजवान है चुनावों से पहले जो वायदे इनसे हुए कि 1 लाख नौकरियां देंगे, इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है और अपनी पीठ खुद ही थपथपाई जा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। कहाँ काम चल रहा भाई, हमीरपुर में आए, अपना जिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।